पर्यावरण संरक्षण के लिए गिरिडीह में अनूठी पहल की गई है। यहाँ जिला प्रशासन एवं उसरी बचाओ अभियान के संयुक्त प्रयास से घर घर पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत गिरिडीह सर्कस मैदान से हुई, जहाँ गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने शहर के सैकड़ों गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीसी नमन प्रेस लकड़ा, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, रेड क्रॉस के अध्यक्ष अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि आज का कार्यक्रम तो बस एक शुरुआत है, हमें अपनी धरती को बचाना है तो लगातार इस अभियान को जारी रखना होगा। वृक्ष लगाना आज का युग धर्म है और सरकार, प्रशासन, आम जनता और सिविल सोसाइटी के सहयोग से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज सर्कस मैदान में पौधारोपण किया गया है, इसके साथ ही इसी वर्ष गिरिडीह में कम से कम 1,00,000 छायादार और फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले में उसरी बचाओ अभियान के लोगों के द्वारा पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कहा कि जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रही है। इस दौरान पूरे जिले में लगभग 1,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत तेजी से हम है हमारे भैया का बातें हम लोग को नमस्कार और जवाहर। आप सभी अवगत हैं कि पिछले 5 जून को हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यूं तो हम लोग हर वर्ष की भांति बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने यह महसूस किया और गिरिडीह के तमाम जनता ने और विभिन्न एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने और फॉरेस्ट विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जब सभी लोगों का एक सुझाव आया कि हम लोग पौधारोपण एक बृहद पैमाने पे करते हैं महाअभियान के तौर पे, तो आज हम लोग यहाँ पे इस अभियान की शुरुआत करते हुए आज यहाँ का जो सर्कस मैदान जो है, जो छोटी मैदान के तौर पर ये जाना जाता था, और इसमें अभी कुछ जीर्णोद्धार का भी काम कराया गया है, तो हम लोग एक ऐसा जगह हम लोग पौधारोपण करना चाहते हैं जहाँ की पौधा सेफ रहे और उसका पालन पोषण सही प्रकार से हो सके। तो न सिर्फ हम लोग कुछ कॉमन एरियाज़ में जहाँ की कम्युनिटी इसका लालन पालन करेगी, बल्कि जो भी हमारे आम जनता है वो भी अपने घरों में अपने प्लांट्स को लगाए हमारे इस अभियान में जुड़कर। हम लोगों का अनुमान है कि हमारे जो 2828 गांव हैं इसमें अगर 35 के औसत से अगर सभी लोग पेड़ लगाएंगे प्रत्येक गांव में, और ऑब्वियसली हमारा जो शहर का क्षेत्र है जहां कि हम लोग अभी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो लगभग 1,00,000 से ज़्यादा पौधे हम लोग लगा सकेंगे। इसके लिए हम लोगों को ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे सीजनल कैलेंडर के मद्देनज़र बरसात के पहले या बरसात के जस्ट आगमन के समय में हम लोग इस प्लांट्स को लगा सके। मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से विभिन्न संस्था या प्रशासन की तरफ से भी कल्याणकारी जो इतने सारे जो आयोजन किए जाते हैं, उसी प्रकार से ये पेड़ लगाना एक बहुत ही कल्याण का काम है, और ये अपने एक समाज के लिए, एक अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कराने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक बहुत ही जिम्मेदारी का एक कदम है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे जो भी जो CSR पार्टनर्स हैं या हमारे जो भी समूह हैं या कोई भी इंडिविजुअल हैं जो कि आकर पौधारोपण के लिए एक अच्छा क्वालिटी का पौधा या उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, खाद वगैरह, जो गेबियन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लकड़ी का गेबियन होता है, वो अगर आप लोग डोनेट कर सकें तो जिला प्रशासन से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में इसकी रूपरेखा को और भी सुदृढ़ करेंगे और आप लोगों तक ये और भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर पहुँचाएंगे ताकि इस पर लोगों को अभियान में के लिए और क्लैरिटी। उसरी बचाओ अभियान का ही एक पार्ट था ये पर्यावरण बचाओ अभियान, घर घर पेड़ लगाओ अभियान। क्योंकि पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन कहीं बाहर लगाए जाते हैं तो वो बच नहीं पाता, इसलिए हम लोग घर घर में पेड़ लगाएंगे और जिला प्रशासन इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है। इसमें लगभग 1,00,000 पेड़ पूरे गिरिडीह में लगाया जाएगा और हम लोग की तरफ से, चूँकि पूरा टीम, पूरा ग्रुप और कई सामाजिक संस्था
अकेले संभव नहीं है। तो गिरिडीह के जितने भी सामाजिक संस्था है जो इस प्रकार से कार्य करती है, चाहे वह एनजीओ हो, चाहे अलग अलग राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने तरीके से 1,00,000 लगाए पेड़, क्योंकि पर्यावरण का हालत बहुत ही खराब है, उसको सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जून और जुलाई में जोर शोर से लग जाइए, हजारों लोग लग जाइए, निश्चित तौर पर लाखों पेड़ लगे। उम्दा कपड़े, उम्दा लोग और इनकी बस एक ही पहचान, एक ही दुकान, पाकीजा फैशन। गिरिडीह का इकलौता ऐसा प्रतिष्ठान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स हो या शूटिंग शर्टिंग्स, महिलाओं की साड़ियां हो या फिर डिजाइनर लहंगे, जींस टॉप हो या फिर शेरवानी और कुर्ते, आपकी पसंद का एक ही प्रतिष्ठान पाकीजा फैशन। पुरुषों के लिए रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब, रेमंड, सियाराम, अरविंद सहित अन्य सभी ब्रांड्स के कपड़े, और महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, लहंगा, कुर्ती, गाउन, सूट पीस व फैंसी सूट लेना हो तो एक बार अवश्य पधारें पाकीजा फैशन। फैशन के साथ साथ क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम पाकीजा फैशन, नियर कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह।